Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 3 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 30। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। हाल ही में आसाम में हुई पुलिस ब्रूटैलिटी, आप सब ने कई सारे वीडियोस देखे हैं जहां पर आसाम में किस तरह से इवैक्यूएशन किया जा रहा है। उस चलते हुए आज PFI ने गुलबर्गा में प्रोटेस्ट की। ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रही है PFI की तरफ से। आई रज अदालत आज हम गुलबर्गा शहर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आसाम के अंदर जिस तरीके से बर्बरियत के साथ प्रोटेस्टर के ऊपर हमला किया गया पुलिस की जानिब से, उन प्रोटेस्टर्स को पहले तो घर से बाहर निकाला गया, उनके घरों से, उनके झोपड़पट्टियों से बाहर निकालकर उनको जानबूझकर पुलिस लाठी नहीं बल्कि गोलियों की बौछार कर उनके ऊपर हमला किया है। बहुत सारे लोगों की जान गई है। मीडिया के अंदर उस चीज़ को लाया नहीं गया है, पूरा छिपाया गया है। और वो साथ ही साथ वो जो मीडिया वाला जो शख्स है वो गवर्नमेंट के मीडिया डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। सोचिए, यहाँ पर नफरत निचले दर तक जहर पहुँच चुका है RSS का। RSS चाहती है हमारी लाशों पर अपना महल खड़ा करे, लेकिन हम यहाँ से चैलेंज करना चाहते हैं कि आपके जो महल होंगे उसका एक एक ईंट को ईंट बजाने तक पॉपुलर फ्रंट और SDPI लोग, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा नाम सैयद अब्दुल अली मिलाही, SDPI डिस्ट्रिक्ट। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर्स ने आज प्रोटेस्ट की DC ऑफिस में। कहा कि जिस तरह से मुस्लिम उलमा को टारगेट बनाया जा रहा है उस पर प्रोटेस्ट की गई और जो उलमा को अरेस्ट किया गया है उन्हें रिलीज करने की बात कर रहे हैं। संघ परिवार के इशारे पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है और मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए इस तरह से मौलाना को टारगेट किया गया है। आए दिन हम देख रहे हैं कि उलमाए किराम को निशाना बनाया जा रहा है और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर चंद दिन के बाद कोर्ट से ये आता है कि ये जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम थे, इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस तरह से मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत ये चाहती है कि उलमा को गिरफ़्तार करके और मुसलमान दानिश्वरों को गिरफ़्तार करके उनके अंदर खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्हें याद रखना चाहिए कि मुसलमान जो ईमान वाला होता है उसके दिल में खौफ कभी आ ही नहीं सकता है। जिसके दिल में खौफ होता है वो मुसलमान नहीं होता है। इसलिए हमने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब और इनके जितने भी उलमा को गिरफ़्तार किया गया है उन सब को जो है रिहा किया जाए। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ज़िला गुलबर्गा, डिस्ट्रिक्ट सदर मौलाना इब्राहिम। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है जहाँ पर आज सभी फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स और कई सारे मैनेजमेंट वालों ने फार्मेसी डे को सेलिब्रेट किया। इसमें आज हम बात करते हैं, अल खमर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ने आज एक अवेयरनेस कैंपेन की और एक अवेयरनेस रैली भी निकाली। आई नजर डालते हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम पर। I'd like to extend my gratitude and thanks to entire my students and their parents, my management, that they have been a part of this awareness rally where we have been given lot of information related to COVID as well as our dengue, where people are been suffering. And as we pharmacists are been doing lot of contribution for the society for building their health. As World Pharmacist Day is been celebrated on 25th of this September, and today's theme was pharmacist always a trust for your health.
So always we are with this society to build their society and their health. Thank you. शुभांगी जी, प्रोफेसर इन VTU कॉलेज आज रिसीव किए हैं प्रेस्टिजियस IIT मेमोरियल अवार्ड। जी हाँ, चलते हुए गुलबर्गा जब पहुंचे तो कई सारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ और लोगों ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। आइए नजर डालते हैं। IIT New Delhi, I thank all the office bearers, award committee chairman, award committee members and governing council members of IIT New Delhi. I also thank the jury members for recommending my name for IIT main awards, that is Srimati Triveni Devi Gupta Memorial Award 2021. I would like to thank all office bearers and members of IIT sub-center Kalburgi, Karnataka. Congratulations, madam. You can make sub-center this center now. Sure, yeah, sir. Get us more permanent members this time. Sure, sir. Thank you, sir. I am not the only of the owner of this particular award, but the many peoples, they have contributed a lot, like including my colleagues, my staff members, they have supported me a lot, my students for doing the different R&D activities, many project, innovative projects that we are doing it. We have published the many patents togetherly, many publications has been done. So this is the growth of the Visveshwaraya Technical University. जब बात एजुकेशन की आ रही है तो हम बात करना कैसे ना भूलें UPSC में अंदर टॉप हुए ये दो भाई जो बिदर से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, एल्डर वन जिनका नाम है नदीम, जो कि IPS 2018 में उन्होंने हासिल किया था, साथ साथ यंगर हुआ जो है मोहम्मद हैरिस, उन्होंने 263 यानी 263 रैंक सिक्योर किया इस बार के IAS 2021 में। यानी कि एक भाई IPS और एक भाई IAS, जिसको चलते हुए दोनों भाई की इमेजेस काफ़ी वायरल होते जा रहे हैं और हमारे तरफ से दोनों भाइयों को मुबारक। इसके अलावा गुलबर्गा की हम बात करें तो एक और टैलेंट जो निकला है गुलबर्गा शहर से, जिसमें हम बात करते हैं जनाब सैयद जाहिद अली, जो गुलबर्गा से हैं, जिन्होंने 569th रैंक सिक्योर किया हाल ही के UPSC रिजल्ट्स के अंदर। गुलबर्गा के लिए और हम सब के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि इस तरह का रैंक गुलबर्गा शहर से निकला है, और सैयद जाहिद अली को भी गोहाश की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आखिर में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट के बारे में। जी हाँ, अगर आप ग्रोसरी खरीदना चाह रहे हो, शॉपिंग करना चाह रहे हो, तो क्यों ना आप एक लकी ड्रॉ का हिस्सा भी बन जाएं और लकी प्राइजेस आप जीतें। जी हाँ, स्मार्ट रखा है ये सभी लकी प्राइजेस। आइए नजर डालते हैं इस शॉर्ट वीडियो पर। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ फजल खान और आप लोग देख रहे हैं गो हैश गुलबर्गा। तो फिलहाल आज हम हैं स्मार्ट सुपर बाजार में, जो कि कुछ दिनों पहले हमारे वीडियो में आपने देखा था कि स्मार्ट सुपर बाजार में बेहतरीन सा लकी ड्रॉ चल रहा है। तो फिलहाल काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उस लकी ड्रॉ में। इस लकी ड्रॉ का जो लकी ड्रॉ होने वाला है वो है 20 अक्टूबर को, यानी कि 20 अक्टूबर को ये लकी ड्रॉ होने वाला है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो प्राइजेस मैंने बताए थे मेरे वीडियो में, वो सारे प्राइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं विथ कूल स्मार्टनेस प्राइजेस के साथ। तो फिलहाल आप लोगों के पास फिर से और एक छोटा सा मौका मिला है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप फिर से शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम। लकी ड्रॉ का डेट 20 अक्टूबर को है। तो लकी ड्रॉ में जो लकी कूपन्स डाले हैं वो आपको बिल्कुल कंटिन्यू है 15 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लकी ड्रॉ पे ग्रैब करने की कोशिश करें, या स्मार्ट सुपर बाज़ार में विज़िट करें और मिनिमम से मैक्सिमम शॉपिंग करें, और हो सकता है आपके लकी किस्मत में फ्रिज हो सकती है, या फिर TV हो सकती है, या फिर ओवन हो सकता है, या फिर वॉशिंग मशीन। थैंक यू सो मच वॉचिंग गो हैश गुलबर्गा। मैं फजल खान, कैमरामैन सादिक के साथ। आखिर में हम बात करने वाले संडे, जिसे थोड़ा हम फंडे बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर मास्क का किस तरह से अलग इस्तेमाल किया जा रहा है। मास्क नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वायरस से बचने के लिए, और कोई चीज़ अपने नाक में या मुंह में ना जाए इसलिए यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों ने अलग अलग रास्ते निकाले हैं मास्क को इस्तेमाल करने के लिए। आइए नजर डालते हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं प्राइम प्रॉपर्टीज़ के हमारे शो में, रीगल एनक्लेव, जो कि एक NHGDA लेआउट है, जहाँ कई दिनों से आप एडवर्टाइजमेंट और कई सजनों से आप प्रमोशन देखते आ रहे हैं। ये लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, जहाँ पर हम बात करें NHGDA कूडा अप्रूव्ड,
ये लेआउट है जहाँ पर आप अपना ड्रीम प्लॉट खरीद सकते हैं और अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और तुरंत अपने NAGDA प्लॉट को बुक करें। एन बैंकवुड्स के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में ये लेआउट है जो कि कंप्लीट आबादी में है और रिंग रोड से बिल्कुल बहुत करीब होती है और KNZ फंक्शन हॉल और आसपास का एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो ये राइट टाइम है कि आप एक NA और CUDA अप्रूव प्लॉट अपना ड्रीम हाउस में बना सकते हैं। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KVN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।